नमस्कार, मैं फिर आप सब के सामने उपस्थित हो गई हूँ। सभी बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को बहुत सारे प्यार। और आप जिनके बर्थडे, मैरिज एनिवर्सरी या कोई स्पेशल डे है, उन सब के लिए मेरी तरफ से बहुत सारे शुभकामनाएं। आप देख के समझ गए मैं किचन में खड़ी हूँ। एक्चुअली मुंबई में ना ऑलमोस्ट एक महीने से लॉकडाउन चल ही रहा है, तो हमारे जो भी हेल्पर्स हैं, मेड, कुक, इन लोगों को हमने भी सजेस्ट किया और ये सही भी है कि वो लोग एक टाइम में आके पूरा काम करके चले जाते हैं, तो शाम का भी प्रिपरेशन करके तो जाते हैं डिनर का। पर शाम को एक बार किचन में तो आना पड़ता है, कभी छोटा मोटा कुछ टुक टक बना लेती हूँ। और आप लोग तो समझ ही गए कि मैं किचन में सबसे कम रहती हूँ और सबसे फटाफट जो भी मेरे पास है मैं मैनेज करके कुछ बना लेती हूँ। तो आज मैं मेरे स्टाइल का एक फिश फ्राई बनाऊंगी, देखिए आप लोगों को कैसा लगता है। दिस इज बासा फिश। तो ये एक्चुअली हमारे यहाँ जो सुपर मार्केट है वहाँ फ्रोजन मिलता है, बट नॉर्मली हम फ्रेश जो बंगाली हम लेते हैं मीठे पानी के फिश वही खाते हैं, बट कभी कभी ये फिश भी ले लेते हैं। तो ये वैसे भी मेड फिश है, बोलते हैं बहुत ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, तो हम भी बहुत रेयरली खाते हैं। पर इसका भी टेस्ट और द वे आई एम मेकिंग, मतलब मुझे तो बहुत पसंद है। आप मैं बना के दिखाती हूँ, आप लोग देखिए कैसे लगता है। सबसे पहले मैं दो पीस बासा फिश लेके ये किचन टॉवल में अच्छा से सुखा लेंगे। फिर इसको नींबू के रस से 10 से 15 मिनट मैरिनेट करके रखेंगे। ये फिश का ना एक स्मेल है जो शायद सबको अच्छा ना भी लग सकता है, तो अगर थोड़ा सा ऐसे नींबू देके हम रख देंगे थोड़ी देर तो वो स्मेल कम हो जाएगा। फिर हम लोग थोड़ी देर बाद दिखाते हैं और उसके बाद क्या करना है। अच्छा, मच्छी जब तक मैरिनेट हो रहा है ना तब तक मैंने देखिए ये सब प्रिपेयर कर लिया। इसमें मैंने थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर, थोड़ा सा राइस फ्लावर, एकदम थोड़ा सा सॉल्ट, क्योंकि ये जो बासा फिश होता है ना वो ऑलरेडी थोड़ा सा सॉल्टी होता है, तो इसमें थोड़ा सा मैंने एकदम थोड़ा नमक, लाल मिर्च, जिंजर पाउडर, गार्लिक पाउडर, सब पाउडर डाल के एक ऐसे रेडी किया। और एक कॉर्नफ्लावर पहले थोड़ा सा पानी में घोला और उसमें एक अंडा दे के उसको भी ऐसे रेडी करके रखा। और एक प्लेट में देखिए मैंने कॉर्न फ्लेक्स ले लिया, सो इट्स थोड़ा सा क्रिस्पी एंड मुझे तो बहुत पसंद है, तो आप लोग देखिए और फिर आप अपने हिसाब से कुछ भी अपने तरह से आप बनाइए। मतलब ज़रूरी नहीं कि मैं जैसे बोल रही हूँ वैसे ही बनाना है। मैं तो जिस तरह से मैं हमेशा बोलती हूँ शॉर्टकट में जो मैं करती हूँ उस तरह से शेयर कर रही हूँ, पर आई होप इस तरह से भी करेंगे तो भी आपके लिए बहुत टेस्टी होगा एंड बहुत अच्छा लगेगा। मेरे पास ना सब कुछ पाउडर है, जैसे जिंजर, गार्लिक, ऑनियन, तो मैं पाउडर के साथ ही वो रेडी किया। पर अगर आप लोग के पास पाउडर नहीं है और आप लोगों को ये फ्लेवर देना है जिंजर, गार्लिक, इवन हरी मिर्च, तो आप लोग ना उसको अच्छे से पीस के जो मैंने मैरिनेट किया ना, नींबू पानी डाला, उसके 5 मिनट बाद आप वो पेस्ट भी मच्छी के ऊपर लगा के आप रख सकते हो। जैसे नॉर्मल फिश फ्राई बनता है उसमें तो ऐसे पेस्ट उसमें लगाते हैं, तो वो भी आप कर सकते हो। तो जिस तरह से आपको ठीक लगे, जो आपके पास अवेलेबल है उस हिसाब से आप बनाइएगा। हाँ देखिए, अभी मैंने गैस ऑन करके सिम पे रखा है और फ्राइंग पैन रख दिया, और इसमें ना मैंने मस्टर्ड ऑयल डाला है, बिकॉज हम लोग रिफाइंड ऑयल बहुत कम यूज़ करते हैं, आइदर मस्टर्ड ऑयल और घी। तो मुझे मतलब हम लोगों को मस्टर्ड ऑयल बहुत अच्छा लगता है, तो मैं मस्टर्ड ऑयल में कर रही हूँ। आप अपने पसंद का कोई भी तेल यूज़ कर सकते हैं।
और मैं एकदम डीप फ्राई नहीं करना चाहती हूँ, इसलिए मैं पैन में कर रही हूँ। बट फिर भी ऐसा नहीं कि बिल्कुल तेल नहीं, तेल तो है, पर एकदम बहुत ज़्यादा तेल में पूरा डीप फ्राई नहीं करना चाहती हूँ, इसलिए मैं इस तरह से कर रही हूँ। पर आप अपने पसंद की, जैसे अगर आप लोगों को डीप फ्राई ज़्यादा पसंद है तो आप डीप फ्राई भी कर सकते हो। आजकल ये जो फिश है ना बासा, ये तो मतलब होटल में फिश फ्राई के लिए मतलब वो भेटकी फिले के बदले में मतलब सब ये फिश ही ज़्यादा यूज़ हो रहा है, स्पेशली आई थिंक बंगाल में तो ज़्यादातर होटल में। पर इसको लेके थोड़ा सा ऐसे है कि बहुत ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, तो हम लोग भी ऐसा नहीं कि बहुत रेगुलर खाते हैं, बहुत कम खाते हैं। और इसको मैं तो वो राई के पाउडर के साथ भी बनाती हूँ, बहुत टेस्टी होता है। पर इस तरह से अगर स्नैक्स आइटम आप चाय के साथ या कोई गेस्ट आए तो फिश फ्राई के जैसे आप देना चाहते हो तो ये भी एक बहुत अच्छा आइटम बनता है, तो ये भी आप कर सकते हो। पर जैसे मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा शायद ये फिश नहीं खाए तो ये बेटर है। अच्छा, ये फिश ना बहुत जल्दी बन जाता है, तो बहुत देर तक आपको फ्राई करने का ज़रूरत नहीं है। एंड ये अगर आप थोड़ा सा ऐसे मैरिनेट करके ना, ये सब नहीं करके प्लेन अगर आप जस्ट इसके ऊपर थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर डाल के ऐसे ही खा लेंगे तेल में हल्का सा देख के, तो भी बहुत टेस्टी होता है। एक और चीज़ आप लोगों से शेयर करती हूँ, देखिए, क्योंकि मैंने खाली दो ही पीस बनाई ना फिश का, क्योंकि मेरे हस्बैंड को इतना पसंद नहीं है, वो एक पूरा भी नहीं खाएंगे, शायद हाफ खाएंगे, बाकी मुझे खाना है, तो और इससे ज़्यादा बनाऊँ तो मेरे घर में वेस्ट होगा, तो मैंने इसलिए दो ही पीस बनाई। और क्या हुआ, क्योंकि दो बनाई तो थोड़ा मसाला थोड़ा अंडा सब बच गया था, तो उसको मैंने वेस्ट नहीं किया। ये देखिए, एक पीस ब्रेड लेके मैंने उसको दो हाफ अप करके ना उसी मसाले में डिप करके, मतलब वो मसाले इसमें लगा के जो तेल बचा था उसमें ये फ्राई कर रही हूँ, तो ये भी एक्चुअली बहुत टेस्टी होगा। तो आप लोग भी कोई चीज़ वेस्ट मत करिए, क्योंकि अभी वेस्ट करना, कभी भी खाने का चीज़ वेस्ट करना अच्छी बात नहीं है, तो इस तरह से आप अपने हिसाब से कुछ कर लीजिएगा। मेरा तो ये एक पीस ब्रेड और एक पीस वो फिश अगर खा लेंगे तो भी मेरा डिनर हो जाएगा। पर आप लोगों के लिए मैं सजेस्ट करूँगी कि आप ये चाय के साथ स्नैक्स में लेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। फाइनल लुक देखिए, मैंने थोड़ा सा एक पीस तोड़ के भी रखा है, देखिए कितना सुंदर लग रहा है। ये मार्केट में जो फिश फ्राई मिलते हैं आप खरीद के खाते हो उससे भी बेटर लगेगा और हेल्दी भी है, क्योंकि आप आपके हिसाब से घर के जो भी है उस हिसाब से बनाए तो डेफिनेटली हेल्दी होगा, बहुत टेस्टी होगा। तो एक बार टेस्ट करके देखिए। बन गया मेरे फिश फ्राई, कैसा लगा? एक बार बना के देखिए, बहुत इजी है, बहुत कम समय में बहुत टेस्टी एक डिश बन जाता है। या आप एज ए स्नैक्स आइटम चाय के साथ मैं सजेस्ट करूंगी, पर इवन स्टार्टर के हिसाब से भी चलेगा, जिस तरह से आपको पसंद है। पहले एक बार बना के खा के तो देखिए, अगर पसंद आता है फिर सोचेंगे कि किस तरह से यूज करना है। पर मुझे बताइएगा जरूर कि आप लोगों को कैसा लगा। इट्स वेरी इजी, आपने देखा है कि कॉर्नफ्लेक्स तो आजकल सब घर में रहते हैं, बच्चे के लिए बड़े के मतलब ब्रेकफास्ट में यूज होता है, तो उसी से हो गया काम। एनीवे, आज इतना ही। मेरे चैनल सेट्स ऑफ लाइफ विद मॉली लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया हो तो। एंड कमेंट तो ज़रूर करना, जिस तरह से मैं बोलती हूँ कि आपके कमेंट से मैं सीखती हूँ एंड फिर न्यू एनर्जी लेके आप सबके सामने आ जाती हूँ। फिर मिलते हैं बहुत जल्द। नमस्कार।